इस वीडियो में हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus y is given as 8, x plus y equal to 8 दिया हुआ है. xy मतलब x और y का प्रोडक्ट दिया हुआ है as 3, 3 by 4 मिक्स फ्रैक्शन. हम लोग को फाइंड करनी है तीन चीजें, पार्ट 1 x minus y, पार्ट 2 3 ब्रैकेट x square plus y square and पार्ट 3 5 ब्रैकेट x square plus y square plus 4 into x minus y. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, x minus y. जैसा कि मैंने पिछले सम्स में एक्सप्लेन किया है, हम लोग कभी भी x प्लस वाई के वैल्यू से अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकालना हो या x माइनस वाई के वैल्यू से x प्लस वाई का वैल्यू निकालना हो, हम लोग को हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के थ्रू जाना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 8, इस इक्वेशन को हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो हम लोग को मिलेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर is equal to 8 squared. That means x squared plus y squared plus 2xy, which is the formula for x plus y whole squared, equal to 8 squared, yani 64. इसके बाद xy का वैल्यू हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर देंगे. Now xy is given as 3, 3 by 4. तो अगर इसको improper fraction में convert करेंगे तो 4 3 is 12 plus 3 15, that is 15 by 4 आएगा. यहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एज 15 बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर दैट इज 64. कैंसिलेशन करके इस टर्म को 15 बाई 2 को भेज देंगे ऑन दैट साइड, तो हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 15 बाई 2 taking 2 as the LCM, तो हम लोग को मिलेगा 128 minus 15, that is 113 by 2, and we will use this to solve for x minus y. हम लोग यहाँ पे अगर ठीक से देखें तो हम लोग को ये part 2 निकालने में भी काम आएगा. part 2 में 3 into x square plus y square चाहिए and already x square plus y square का value हम लोग के पास आ गया है. So, x square plus y square equal to 113 by 2, ये हम लोग को मिल चुका था. अब हम लोग को निकालना है x minus y का वैल्यू. उसके लिए हम लेंगे x minus y whole squared. Now, we know that a minus b whole squared का फॉर्मूला होता है a square plus b squared minus 2ab. So, x minus y whole squared का फॉर्मूला होगा x squared plus y squared minus 2xy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग के पास है 113 बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग के पास है 15 बाई 4. वी गेट 113 बाई 2 माइनस 15 बाई 2 टेकिंग 2 एज द एलसीएम हम लोग को मिलेगा 113 माइनस 15 दैट इज 98 बाई 2 विच इज नथिंग बट 49. Now x minus y whole squared मिला as 49, so x minus y अगर हम लोग square हटाएंगे तो right hand side पे हम लोग को root लगाना पड़ेगा, we will get root over 49, यानी कि square root of 49, मतलब ऐसा कोई number जिसको दो बार multiply करने से 49 आता हो, and that is 7, so the answer is plus minus 7. So this is the complete solution of part 1. निकालना है 3 into x squared plus y squared. x square plus y square का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी है as 113 by 2. So this is nothing but 3 into 113 by 2, that is 339 by 2. And इसको हम लोग चाहे तो mix में भी convert कर सकते हैं. So this would come out to be 169. Now the value of part 3. Part 3 में हम लोग को find करना है the value of this whole expression, 5 into x square plus y square plus 4 bracket x minus y. So 5 into x square plus y square ka value hum logo pata hai 113 by 2 and 4 into x minus y ka value hum logo mila tha as plus minus 7. So yahan pe hum logo mil raha hai 565 by 2 plus minus 4 into 7 yani 28.
इसको अगर एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 565 प्लस माइनस 56 होल डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब हम लोग के पास दो सोल्यूशन है, या तो 565 प्लस 56 होल डिवाइडेड बाय 2 या फिर 565 माइनस 56 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, this will come out to be 310.5, 254.5. So the answer is 310.5 or 254.5.